पे हर साल एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, उसके साथ साथ बहुत से लोगों को ये रहता है कि पूर्ण द्वारपट यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाता रहे। आज विशेष दिन पर आप जहाँ पे आए हैं तो इस मौके पर आप क्या कहें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और खासकर महाराज गुलाब सिंह का जो राजतिलक हुआ उनको? सबसे पहले तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज ये इतना शुभ अवसर है और ये जो हमारी ऐतिहासिक विराट नगरी यानी अखनूर, ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की शोभा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमें यहाँ पे खड़े होकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और हमने पूजा की है अभी और बहुत ही अच्छा फील हुआ है। ऐसे ये अपने जड़ों के साथ जुड़ने वाली बात होती है और उसके साथ साथ जो एक बहुत ही रिच हिस्टोरिकल हमारी सिग्निफिकेंस है इस जगह की, आज ये मौका है जब हमारी यंगर जनरेशन भी जो बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हुए हैं उनको एक मैसेज जाता है कि किस तरीके से हमारी इस अखनूर जो है जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था, इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। और क्योंकि जनरेशन जो यंगर जनरेशन है उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वो हमारे रिच हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को आगे लेके जाए, तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सबको मुबारकबाद भी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी जिन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और चनाब के किनारे पर जो ये खूबसूरती है वो अपने आप में ही एक यूनिक है। और टूरिज़म डिपार्टमेंट की कोशिश है कि अखनूर की जितनी भी इस तरीके की डेस्टिनेशंस हैं, आप अंबारा की बात करें, आप जियापोता घाट की, जिसके कि एक मतलब एक पवित्र फीलिंग आती है नाम लेते ही, तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आने वाले दिनों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो ताकि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जम्मू में भी आते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, हम इसको एक पिलग्रिमेज सर्किट में इंक्लूड कर रहे हैं ताकि और उसकी एक बहुत ही हाई लेवल की जो है एडवर्टीजमेंट रहेगी, पब्लिसिटी रहेगी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कि सबको लगे कि जब जम्मू आए तो अखनूर जरूर जाना। पर्यटन विभाग की तरफ से जो सिपाही जाती है जी जी, तो जिस तरह से अमरनाथ यात्री यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या इस तरह की बुक में जियापोता, पांडव गुफा, कामेश्वर मंदिर और खासकर राजा विराट का किला वगैरह का बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा ये हमारा ये सबसे बड़ा गर्व है ये हमारे लिए इन जगहों का। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी अमरनाथ गाइड बुक है उसमें भी इनका जिक्र है और जो हमारा पब्लिसिटी मटेरियल है उसमें भी स्पेसिफिकली अखनूर को जो है लेके एक अखनूर का थीम लेके ही हमने पब्लिसिटी मटेरियल जो है वो छपाया है, तो बहुत जल्द आपको ये इसकी वाइड पब्लिसिटी देखने को मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू।